आइए सर आइए, काफी बड़ा और सुंदर घर है। देखिए इस घर के अंदर चार बड़े बेडरूम है सर, और हर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम भी है। तो बताओ सर कैसा लगा आपको घर? अरे ईशान जी आज किसको ले आए आप? अरे सर लगता मैडम सर को घर पसंद नहीं आया, मैं अभी आता हूँ। अरे सर क्या हुआ, आप एकदम से वहां से आ गए? आपको घर पसंद नहीं आया क्या? ईशान तुम मुझे एक बात बताओ, वैसे क्या रीजन है कि वो लड़की अपना घर बेचना चाहती है? अरे सर क्या बताऊं मैं आपको, उसका पति ना एक नंबर का नशेड़ी था, और जुए में सारे पैसे उड़ा उड़ा के ना उसने इतना कर्जा कर लिया था अपने ऊपर, और सर खुद तो मर गया वो, अब सारा कर्जा बेचारी को इसे चुकाना पड़ रहा है, और इसीलिए सर इसे अपना घर बेचना पड़ रहा है कर्जा चुकाने के लिए। कितना कर्जा है उसके ऊपर? सर वही 10-12 लाख के आसपास होगा। सर आप मुझे ये बताओ कि आप वो घर लेना चाहते हो या नहीं? मुझे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरा एक काम करो। क्या सर? मैडम सर ने घर लेने से तो मना कर दिया। वो तो मुझे पता ही था, पर ये बैग भेजा है उन्होंने आपके लिए। ये क्या है? मैडम मुझे नहीं पता, आप खुद देख लो। सर पैसे तो मैं उन्हें दे आया, पर आप मेरे को एक बात बताओ कि आपने इतने सारे पैसे उन्हें दे दिए, क्या आप जानते भी उन्हें? हाँ जानता हूँ उसे, आज से 4-5 साल पहले की बात होगी। अरे यार इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्या पता था कि बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अरे गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे शादी करने के बारे में सोचा। अरे अभी तो हमारी शादी की डेट फिक्स हुई है, अच्छा हुआ हमारी अभी शादी नहीं हुई, अगर कर लेती तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। सिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार, अभी मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है यार, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। तुम्हारे ये स्ट्रगल ना कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन जो हम दोनों के बीच था ना वो सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे नहीं रहना तुम जैसे फटीचर के साथ। सिया सिया मेरी बात तो सुनो। सिया बस इसीलिए मैंने उसकी मदद की। अरे सर यही तो मौका था उनको नीचा दिखाने का और उसकी बेइज्जती करने का, आखिर पता तो चले उसने किसको खोया है, और उसको रियलाइज तो होना चाहिए कम से कम। नहीं मेरे भाई, प्यार हमें ये नहीं सिखाता है, असली प्यार वो होता है कि जिससे आप प्यार करते हो ना उसकी हमेशा कद्र करो, हमेशा उसकी चिंता करो, हमेशा उसकी केयर करो, हमेशा आपके दिल में उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फिर चाहे वो आपको मिल सके या ना मिल सके, लेकिन आपके दिल में उसकी कद्र हमेशा होनी चाहिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ।